السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران إسلام نماز میں جو वाक़ होती हैं उन ग़लतियों में से एक ग़लती ये भी है कि बहुत सारे मुसलमान नमाज़ के लिए जब खड़े होते हैं तो बजाए किरात में अपनी ज़बान और होटों को हिलाने के दिल से किरात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इससे हमारी नमाज अदा हो जाएगी जबकि अइम्मा ने किरात के लिए ज़बान की हरकत को ज़रूरी करार दिया है कि आदमी अपनी ज़बान को किरात के लिए हरकत दे और उसके लिए कुरान मजीद की आयत करीमा से इस्तलाल किया फ़कर उतर अमिन कि तुम किरात करो जो क़ुरान मजीद की आयतें तुम्हें याद हों जो आसानी से पढ़ सकते हो तो जिन आयतों को इंसान आसानी के साथ अदा कर सकता है पढ़ सकता है उन आयतों की किरात होनी चाहिए और किरात जबान से होती है दिल में इंसान जो इरादा करता है उसको किरात नहीं कहा जाता इमाम इब्ने अरुश्ट ने इस्तल्याल किया जबान के हरकत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए माफ़ किया है क्या चीज़ माफ़ की गई अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया कि दिल में अगर वो किसी बुरे काम का इरादा करता है बुरे काम का कर्ज करता है तो अल्लाह ताला उस चीज को उसके लिए माफ़ कर देता है तो जिस तरह अल्लाह ताला दिल के इरादे को माफ़ कर दिया है उसी तरीके से दिल से अगर कोई किरात करता है तो ऐसी सूरत में उस किरात का कोई एतबार नहीं होगा जब तक के वो अपनी जबान से इन अल्फाज को अदा न करे किसी ने दिल में इरादा किया कोई बुरी बात कहने का गाली देने का तो उस पर उस वक्त तक मुआदा नहीं होगा जब तक कि वो इन अल्फाज को अपनी जबान से अदा ना करे अपनी जबान से इन अल्फाज का इजहार ना हो तो इस हदीस से इसदलाल करते हुए इबन रुश्त रही फरमाते हैं कहते हैं कि जबान से किरात करना ज़रूरी है अगर दिल से कोई आदमी अपने किरात करता है तो इसी सूरत में उसकी इस किरात का कोई एतबार नहीं होगा और तकरीबन यही बात इमाम नबी रहीम ने भी कही और इमाम शाफी रही फरमाते इंसान को चाहिए कि अपनी जबान से किरात करे और जबान से किरात करने की कैफियत को बयान करते हैं कि वो अपने आप को सुनाए और अपने जो बाजू होता है अपने से जो करीब होता है उसको सुनाए और बाद उल्मा ने कहा कि इंसान अपने आप को सुना ले ये उसके लिए काफी है इसलिए कि अपने आप को और अपने से बाजू वालों को इंसान अगर हालत नमाज में सुनाने की कोशिश करेगा तो बसा औकात इससे उसकी नमाज में खलल वाक़ हो सकता है लिहाजा अपने आप को सुना ले ये उसके लिए काफ़ी है इस तरह के किरात इंसान को करनी चाहिए और यह किरात मोतबर होगी शरीत इस्लामिया की नजर में किरात हो तकबीर हो या अधिकार हो हर चीज़ में ज़बान के हरकत का एतबार किया जाएगा अगर ज़बान की हरकत नहीं होती है बल्कि वो दिल में सिरा किरात का इरादा करता है या दिल से किरात करता है तो ऐसी सूरत में उसकी किरात सही नहीं मानी जाएगी लिहाजा मुसलमानों को इसकी तरफ तोजो देनी चाहिए और अपने किरात को करते हुए ज़बान से किरात अदा करने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी नमाज में गलतियां पहचान कर उनकी असलाह करने की अता फरमाए आमीन व आखिर अनिल रब्बिल आलमीन